हरे कृष्णा। किसी गांव में एक संत पुरुष गए थे प्रचार प्रसार के लिए भगवत वाणी का। तो गांव में घुसते ही उसे एक नशे में चोर मद्य सेवन किया हुआ एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। तो उनके प्रति दया कृपा परवश स्नेह करके उनके हृदय में करुणा का उद्भव हुआ। अरे ये बेकार अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं, शायद इसका क्या गति होगा। तो ऐसी भावना लेकर वह संत महात्मा उनको उपदेश देना चालू किया कि अरे भाई, आप अपना जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हैं, क्यों आप ये सब करके अपने जीवन को नारकीय बना रहे हैं। आपको पता है कि मृत्यु के बाद आपको नरक जाना पड़ेगा इसके कारण, क्योंकि पाप है जो आप कर रहे हैं। तो मद्यपान किया हुआ व्यक्ति, नशाखोर व्यक्ति, उन्होंने पूछा, अच्छा ये मद्यपान करने से, शराब पीने से व्यक्ति नरक में जाता है? तो संत पुरुष ने कहा, हाँ यस जरूर। तो बोले कि अच्छा, वो जो समीर है ना, समीर हमारे गांव का, वो भी तो शराब पीता है, तो क्या वो कहाँ जाएगा? तो संत पुरुष ने बोला कि वो भी नरक में जाएंगे। तो बोले कि वो भी नरक में जाएगा? संत पुरुष ने बोला कि यस वो भी नरक में जाएगा, क्योंकि पाप किसी का बाप नहीं होता, पाप किसी को नहीं छोड़ता। तब वो नशा कर बोले कि वो जो सुरेन है, सुरेन वो हमारे गांव का मुखिया है, हमारे गांव का वो देख रेख करता है, वो मुखिया है, वो भी जाएगा क्या नरक? तो संत पुरुष बोले कि हाँ हाँ वो भी जाएगा। अच्छा बताइए तो मुझे लिस्ट कि कौन कौन से पाप करने से व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। तब संत पुरुष ने लिस्ट बताया, देखिए जो शराब पीता है, नशा करता है, जो आपका सिगरेट पीता है, बीड़ी पीते हैं, ये सब जो नशा करते हैं, ये नशा करने का अर्थ यही है कि नशा करने के माध्यम से व्यक्ति अपने चेतना को ढक देता है, क्योंकि वास्तविक चेतना हम लोग को कृष्ण भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन जब हम लोग नशा करते हैं तो वो चेतना हमारा ढक जाता है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम लोग उस उद्देश्य को भूल जाते हैं, और जब उद्देश्य को भूल जाते हैं तब हमारा समय का व्यर्थ, हम लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट करने का मतलब टाइम किलिंग एक पाप है, समय का वेस्ट करना। तो इसीलिए बेहतर है ही है कि व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से अपने समय का अपव्यय करता है, और समय का अपव्यय करते हैं तो कृष्ण भक्ति नहीं कर पाता। तो इसीलिए नशा करना एक पाप माना जाता है। तो उन्होंने बताया, अच्छा और दूसरा क्या पाप है जिसके माध्यम से व्यक्ति नरक को जाता है? तो संत पुरुष ने कहा कि अगर कोई जुआ खेलता है तो उसका भी नरक गति, उसका भी नरक जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो वो नशाखोर व्यक्ति ने पूछा, कैसे? बोल के देखिए, जुआ मतलब क्या है? जुआ का अर्थ होता है व्यर्थ का समय गंवाना। ये समय हम लोग को सिर्फ कृष्ण भक्ति करने के लिए मानव देह, ये मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हम सब क्या करते हैं, जुआ के माध्यम से अपने जीवन को, कोई भी चीज़ जो कृष्ण भावना में से जुड़ा नहीं है, जो कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ा नहीं है, व्यर्थ का श्रम है, जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, उसको जुआ ही माना जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए कि मनुष्य जीवन उनको प्रकृति दिए थे लेकिन उसका सदुपयोग किया नहीं, जिसके कारण उसको नरक गति प्राप्त हो गई, यह है एक नरक जाने का दूसरा मार्ग। तो नशाखोर ने पूछा, ओके और फिर क्या क्या है, मुझे सब कुछ बताइए। तो बोले कि अगर कोई अवैध संग करता है,
अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को शादी न करके उनके साथ कोई संबंध रखता है, शारीरिक संबंध, तो उसे अवैध माना गया है और उसके कारण भी उसको नरक में जाना पड़ेगा, कुंभीपाक नरक में, क्योंकि उसमें भी वो प्रकृति के साथ वो विदोहन कर रहा है। मतलब प्रकृति जो गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, इस स्टेप बाय स्टेप जो वर्णाश्रम सिस्टम किया गया है, अगर कोई व्यक्ति जो शास्त्र विधि मुत्सित जो वर्तते कामकारति, शास्त्र की विधि को त्याग करके अपने आचरण अपने मन के अनुसार चलता है, जो शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, न उसे सिद्धि मिलता है न उसे सुख मिलता है न परम गति नहीं भगवान का धाम मिलता है। तो शादी करने के लिए गृहस्थ जीवन में जाने के लिए उसके साथ संबंध तब किया जाता है जब उनका अपनी धर्म पत्नी बना है, लेकिन अब जैसे कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह किसी के साथ ये करेंगे उसका पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य जीवन स्पेशल तपस्या के लिए बनाया गया है और जब वो व्यक्ति तपस्या को भूल कर अपने पशु जैसा आचरण करता है तो उसको नरक की गति होती है। तो नशा को पूछा क्यों और बोले कि मांसाहार, अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, क्योंकि मांसाहार का अर्थ होता है किसी प्राणी को हत्या करना, किसी को दुख देना, हिंसा करना, यद्यपि शास्त्र में वर्णन है कि जीवस्य जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे के लिए आहार है, बिल्ली चूहा को खाता है, चूहा कुछ दूसरे धान खाते हैं, चूहा को सांप भी खाते हैं, सांप मेढक को भी खाते हैं, और इस तरह करके विभिन्न जो हम लोग देखते हैं, जैसे हम सब साग सब्जी खाते हैं, हमारे लिए साग सब्जी भगवान ने तैयार किए हैं, क्यों, क्योंकि वो शाकाहारी भोजन के माध्यम से हम लोग शुद्ध कृष्ण मुक्ति कर पाएंगे। अगर कोई प्रश्न कर सकते कि क्या साग सब्जी में जीवन नहीं है, यस साग सब्जी में जीवन है, लेकिन हम लोग उसको पहले कृष्ण को अर्पण करते हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण है इस जगत का मालिक, और उनको जब भोग लगाते उसमें हमारा पाप नहीं लगता, उसको प्रसादम रूप में हम लोग पाते हैं तो इसमें पाप नहीं लगता। लेकिन अगर कोई ये चीज़ को छोड़कर कुछ खाता है तो उसका पाप लगता है। तो ये जो लोग मांस खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, वो सब भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि भगवान है शुद्ध और भगवान का भक्त भी होता है शुद्ध, और शुद्ध शुद्ध को वही चीज़ अर्पण करेगा जो शुद्ध हो, और ये सब गंदा चीज़ है तो इसीलिए वो नहीं खाना चाहिए। वो सब खाने से क्या होता है, हमारी चेतना कलुषित होता है, उस तरह का चेतना बन जाता है, पशु जैसा बन जाता है। इसलिए जो मांसाहार को त्याग देता है वो शुद्ध बनता है, और जो किसको खाता रहता है तो उनका क्या गति होता है, नरक गति। तो बोल रहे तो नशा को ने बोला कि और कैसे कैसे में नशा होता है, मतलब ये नरक गति होता है। बोले कि अगर किसी को आप दुख देंगे अपने वाणी से, अपने वचन से, अपने क्रियाकलाप के माध्यम से, अगर आप किसी को दुख दे तो उसमें भी आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, आपको नरक जाना पड़ेगा। और तब उन्होंने चोर ने बताया, मतलब वो मादक जो पान किए थे, मदपान किए थे नशा को, उन्होंने बताया अच्छा 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 हमारे गांव में धामिनी बोल के एक लड़की है, वो वैसा है, प्रोस्टिट्यूट है, विभिन्न लोगों के साथ उनका शारीरिक संबंध है, उनका शादी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। तो संत पुरुष ने बोला उसका भी नरक गति है। बोले कि अमुक गांव में रुमा बोल के एक लड़की है, उसका भी किसी के साथ विभिन्न लोगों के साथ संबंध है, वो कहाँ जाएंगे। तो संत पुरुष ने बोला कि वो भी नरक में जाएंगे। तब ये नशाखर बोला अपना कंक्लूजन निकाला, बोले कि जब गांव का मुखिया जाएंगे नरक, गांव का अध्यक्ष जाएंगे नरक, गांव का सचिव जाएंगे नरक, जो सभी वो लोग मतपान करते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो वैश्या है, जो सभी उनके साथ इंजॉय करते हैं,
वो भी जाएंगे नरक, और सूर्यन, वरुण, आकाश, मंगल, ये जितना सारा मदपान करते हैं ये सभी जाएंगे नरक। तो जहाँ सभी जाएंगे और मैं भी पान कर मैं भी जाऊंगा नरक, तो वहाँ पे तब मेला लगा रहेगा, चिंता क्या है तब, वहाँ पे कष्ट क्या है नरक में, वहाँ पे तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, मेला की तरह हम लोग घूमेंगे फिरेंगे ये करेंगे और क्या, सभी एक साथ बैठ के प्रोस्टिट्यूट जाएंगे, गांव का मुखिया जाएंगे, मेरे रिलेटिव्स जाएंगे, कि सभी वो सब करता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाख्यान उपदेश ये 47 नंबर श्लोक में इसके माध्यम से हम सबको यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि इस संसार के जो लोग हैं वो वही करता है जो ज्यादा लोग करते हैं। जो मूर्ख होता है, दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान होगा वो जीवन की वास्तविकता को अपनाएंगे और क्या जरूरत चीज है हमारे जीवन में, क्या होना चाहिए और किस लिए हमारा ये जीवन में पदार्पण हुआ है, क्या करना चाहिए, वो बुद्धिमान लोग करता है। और जो मूर्ख लोग होगा वो जहाँ पर ज़्यादा वोट जनसंख्या होता है, अच्छा ये नशा करता है, वो नशे, ये बीड़ी पीता है, ये सिगरेट पीता है, ये नशा करता है, ये दुआ खेलता है, ये मदपान करता है, ये जो ज़्यादा संख्या में ना जो मूर्ख होता है उसी की दल में घुस जाता है। मूर्ख व्यक्ति जनसंख्या को देखता है, क्वांटिटी को देखता है, और बुद्धिमान व्यक्ति क्वालिटी को देखता है। तो टॉपिक्स का अर्थ यही है कि जो बुद्धिमान होगा वो जगत का जो सार हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हरि नाम को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, ज्ञान भरने के लिए श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य है, वो तीन कार्य मस्ट करेंगे, भागवत गीता को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य। और मूर्ख व्यक्ति क्या करेंगे, जो दुनिया के सारे लोग जो कर रहे हैं, फिल्म में जाना, सिनेमा देखना, नाइट क्लब में जाना, जुआ खेलना, वेश्यालय में जाना, नशा करना, टाइम वेस्ट करना, तो ये जो समय व्यतीत करता है, क्योंकि सारे जगत के लोग वही कर रहे हैं ना, तो मूर्ख व्यक्ति उतारे इतना ये भी कर रहा है, मुखिया भी कर रहा है, सचिव भी कर रहा है, अध्यक्ष कर रहा है, टीचर, ओह माय गॉड, सो एवरीबॉडी इज डूइंग लाइक दिस, सो व्हाई आई एम नॉट डूइंग, आई आल्सो डूइंग, मैं भी करूंगा और मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, आई ड्रिंकिंग। सो ये है मूर्ख भक्ति का लक्षण। जो मूर्ख होगा, जैसे वो संत पुरुष ने उसको कितना समझाया, कितना टेक्निक दिया, लेकिन वो क्या समझा, अच्छा लेकिन जब सभी ऐसा कर रहे तो मैं क्यों छोड़ूं, मुझे भी तो नरक जाना, वहाँ पे एक मेला लगा रहेगा, उसको पता नहीं भगवत नाम क्या होता है, वो नरक के बारे में सुन लिया, भगवत नाम के बारे में पता नहीं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही समझाना चाह रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते इस संसार में, बुद्धिमान व्यक्ति क्वालिटी को एक्सेप्ट करेगा, गुणवत्ता को, और मूर्ख व्यक्ति क्वांटिटी को एक्सेप्ट करेगा, जनसंख्या को, कि जो बहुत मात्रा में, जिससे श्रील प्रभुपाद बोलते 99.9% लोग अभक्त है संसार, 99.9 संसार के लोग मूर्ख है, गधा है, मूढ़ है। श्रील प्रभुपाद गधा क्यों बोला, क्योंकि जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो गधा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जिसे गधा पीछे ढोता है कपड़ा, बहुत सारा नंगा घूमता है इधर उधर, धोबी घाट से लेकर घर पहुँच जाता है कपड़ा, खुद नंगा रहता है, उनको पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य खुद भी एक कपड़ा पहने, क्यों, क्योंकि वो गधा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही चेतना दे, मतलब हम सबको समझा रहे हैं कि अगर आप बुद्धिमान है तो कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, भागवतम को अध्ययन करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, और अगर आप मूर्ख है तो संसार के जो लोग अपकृत्य काम कर रहे हैं, जो अन्याय आचरण, दुख, दूसरों को कष्ट देना, ये करना, ये सब में जो लगे हुए, लूट मार, चोरी, डकैती, बेईमानी,
तो आप उसी में फंसे रहेंगे, वही करते रहेंगे। तो दो प्रकार में से आपको अभी सेलेक्ट करना है, हु आर यू, यू आर क्वालिटी मैन और क्वांटिटी मैन, मूर्ख और बुद्धिमान। हरे कृष्ण।